आपको 5 स्टार में भाई। देखें ये तैयार होके पड़ी हुई है, बस ये ऑर्डर लगा हुआ है, ये जाना है, बस तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो खानों के शौकीन हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाकी का प्लान बताएगा आपको हुज़ैफ़ा कि आज हम कहां जा रहे हैं और क्या ट्राई करने वाले। तो भाई आज का सीन हमारा ये है कि आज की हमारी जो है ना थोड़ी स्पेशल वीडियो है। आज है 13 अगस्त की नाइट, तो 12 बजे के बाद जो है ना 14 अगस्त शुरू हो जाएगी और हमारा जो है ना आज़ादी का दिन है। तो आज का सीन हमारा ये है कि हम पहले जाएंगे सब कजन्स 5 स्टार पे जाके थोड़ी सी आतिशबाजी वगैरह देखेंगे और फिर आपको भी दिखाएंगे। आप भी देखिएगा हमारे कराची 5 स्टार में कितनी ज्यादा आतिशबाजी होती है, आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। उधर जाएंगे अभी हम जो है ना, कजन्स हमारे हैं वो भी हमें जो है ना ज्वाइन कर लेंगे। बिलाल है और हसन है और साद भी है, तो वो भी हमारे साथ जो है ना हसन जी जाएंगे। अच्छा, आतिशबाजी के बाद हम ये 12 बजे के बाद जब वो आतिशबाजी देख के उसके बाद हम जाएंगे हसन जी पे जाके फिर डिसाइड करेंगे हम जाके क्या ट्राई करते हैं, उनका कुछ स्पेशल ट्राई कर लेंगे। बाकी ये है कि आज हमारे साथ मेरे साथ और फैजी भाई के साथ 3 कजन्स मेरे और भी हैं, उनके वो भी आपको जो है ना आपको रिव्यू वगैरह देंगे, उनसे भी हम बातें करेंगे। तो मिलते हैं पहले हम 5 स्टार पे, उसके बाद हम जाएंगे हसन जी पे। अच्छा, 5 स्टार पे ना बहुत ज्यादा रश होगा, बिल्कुल भी जो है ना मेरी बात की आपको समझ नहीं आएगी, शोर बहुत ज्यादा होगा वहाँ पे। तो आपने सिर्फ आतिशबाजी इंजॉय करनी है, मुझे नहीं देखना। तो उसके बाद जब हम हसन जी पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट वहीं पे जाके मिलेंगे अब इंशाल्लाह ताला। ये देखो पुलिस भी हमारी आतिशबाजी देख रही है, ये देखो ये पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है और ये आतिशबाजी हो रही है। इसको कहते हैं कराची। ये गया 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 गया। तो भाई हम लोग जो है ना हसन जी पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह इनका सेटअप बहुत बड़ा है, कहीं पे टिक्का बन रहा है, कहीं पे जो है वो कढ़ाई बन रही है, कहीं पे सीख बोटी बन रही है, कहीं पे जो है ना वो फास्ट फूड बन रहा है। बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, कहीं पे मटन कढ़ाई बन रही है, कहीं पे सी फूड बन रहा है सब। तो जो है ना हम लोग अभी जाके बैठते हैं और बाकी का सीन आपको वहीं बताते हैं हम क्या खाने वाले हैं। और हम जो है ना आज जो है 4 बंदे आए और मैं कज़न वगैरह जमा हुए हैं हम लोग, तो बहुत आला सीन होने वाला है। वीडियो जो है ना आप पूरी देखिए। अब ले लो भाई, यहाँ पर जो है ना हसन जी का बारबेक्यू वगैरह सारा रेडी होता है और अंदर जो है ना अंदर फास्ट फूड रेडी होता है। ये हमारी कढ़ाई वगैरह लग जाती है और वो आप सामने देखेंगे तो वहाँ जो है दरगाह बन रहा है। तो ऑल इन वन है हसन जी जो है ना, ऑल इन वन आपको हर चीज़ देता है जो आपको चाहिए, जो खाना है आप इधर आ जाए आपको मुनासिब रेट में मिलेगा इंशाल्लाह। भाई असल में सीन ये था कि हमने बोला यार रोज व्लॉग तो बनाते रहते हैं, लोग भी निकल जाएगा और कजनों को भी जमा कर लेते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा, शुगल भी हो जाएगा। और वैसे भी हमारे जो है ना ऐसे प्रोग्राम बनते रहते हैं कभी कभी, 14 अगस्त पे, हैप्पी न्यू ईयर पे, ईद वगैरह पे। हुज़ैफ़ा कुछ बोलना चाह रहा है भाई? हुज़ैफ़ा ये बोलना चाह रहा है
कि आज जो है ना हम कजन्स के साथ आए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, साद अहसान और बिलाल भाई आएंगे, तो ये हमारे साथ भाई हैं और वो हमारे बिलाल हैं और वो हमारे अहसान भाई हैं। तो इनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, पहले साथ से बात करेंगे फिर हम बाकियों से बात करेंगे। आज जो है ना हम इधर से काफ़ी सारी चीज़ें खाएंगे और आपको जो है ना हमारे हाफिज़ मौलाना साद साहब भी आए और ये साद भाई है, ये बिलाल है और वो अहसान है। आज जो है ना ऐसा कि 14 अगस्त है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। बाकी जो है ना हम सबका इंटरव्यू भी लेंगे। साथ आपको कैसा लग रहा है, आज पाकिस्तान आज़ाद हो गया था? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बस अच्छा लग रहा है, खुशी होती है। खुशी होती है, थोड़ा ज़ोर से बोलो, शर्माओ नहीं। खुशी होती है कि आज़ाद हो गया। एक मिनट, माइक में बोले। असल आज़ादी तो तब होगी जब शादी होगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओ, इनको शादी करनी है, इधर व्लॉग बना रहा है। काट देना नहीं, 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 ये कटेगा नहीं, बोल रहे ये आ काट देना तुसी। आ क्यों कटना है भाई इनकी, ये अभी हम व्लॉग बना रहे हैं, इनको अपनी शादी की पड़ गई। आप ये बताएं कि हम पाकिस्तान अपने आप को आज़ाद नहीं कराना, हमने पाकिस्तान आज़ाद किया था उसके बारे में बताएं। हमने थोड़ी ना करा था, हमारे जो बड़े अबाव अजदाद हैं जी, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, उलमाए कराम है और बिस्मिल्लाह पढ़ लें पहले। हमारे उलमाए कराम ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी और कायद आज़म वगैरह ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, तब जाके हमें ये मुल्क पाकिस्तान मिला। अच्छा, तो इसकी कदर करनी चाहिए, ये बताए ना, कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। बाकी ये है कि और ये जो आज पाकिस्तान के हालात वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इस मामले में आप क्या बोलेंगे? वो हमारे एक वो सेल्फी वाले भी आए हैं, उनकी तरफ भी कैमरा मारे, ये इतनी दूर से पिक्चर लेते हैं कि हमारी शक्ल नहीं आती। बाकी अभी इसका बताएं, आप बताएं इसको कैसे, पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होंगे, इसका भी कुछ बताएं ना। जब हम ईमानदार हो जाएंगे तब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। बोले हमारे जब ये सियासतदान ईमानदार हो जाएंगे तब। पहले हमने ईमानदार बनना, जब हम ईमानदार बनेंगे। आप ईमानदार नहीं है मतलब? भाई मेरा मकसद कहने का ये है कि भाई अगर मैं हूँ तो आप भी हूँ। आप भाई ये जो है ना हमारा मेन्यू कार्ड आ चुका है, अब जो है ना उज़ैफ़ा डिसाइड करेगा मंगवाना क्या। हमारा ही नहीं है भाई, थोड़ा सा थोड़ा ठंडा जोक मारा है, हंसलो सारे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं हंसना भाई। ये हसन जई का जो है ना मेन्यू कार्ड है, ये आज 14 अगस्त को अपडेट हुआ है। कल मैं घर के लिए जिंगर लेके गया था 350 रुपए का, आज मैंने अभी जिंगर का रेट पूछा है तो ये 400 रुपए का कह रहे हैं। एक दिन में 50 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, और इन्होंने ये अपडेट करके अपना जो है ना प्यारा सा ये बना लिया है। तो इसमें हसन जई पे जो है ना आपको मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की हर डिश मिल जाएगी, मछली से सी फूड से लेके फास्ट फूड बारबेक्यू हर चीज़ मिलेगी हसन जई पे, और बिल्कुल मुनासिब रेट में मिलेगी। इन्होंने आज जो है ना रेट थोड़े से बढ़ा दिए हैं, पर यह है कि अभी हम यार वो भाई बड़ा गौर से देख रहा है आपको, बोलना है आप करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। सुन रहे हैं कि क्या बातें दरअसल चल रही है ना। अच्छा, तो करें मुज़ाकरात करें आप लोग, आखिर में हम देखते हैं क्या तय पाता है आप लोगों का। ये हमारे गली के डॉन है, इन्होंने गले में चैन भी पहनी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये स्पेशल अमेरिका से बैच बनवा के लाए, अपनी पिक्चर भी लगवाइए, देखें आप। यार पाकिस्तानी बैच है, ये अमेरिका वाले कहाँ बनाए? अरे इन्होंने ऑर्डर पे बनवाया, अमेजोन से मंगवाया, देखो उसकी पिक्चर भी लगी हुई है, देखो करीब करो जरा, इसकी पिक्चर भी है भाई। देखो ऐसा ये वाला जो है ना बैच आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। ये रहा ये सात भाई ने भी लाया, ये तो सरासर झूठ है, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, ये तो सरासर झूठ पकड़ा गया। ये जो है ना ये कुरंगी से आया, ये तो झूठ, कोई कुरंगी से नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, कोई कुरंगी से नहीं है। ये इन्होंने अपना बैच। अच्छा हम आपको जो है ना बस ये जल्दी से बता देते हैं, बताओ आज रोजाना हम डिसाइड करते हैं, आज बिलाल भाई डिसाइड करके बेटा आप कढ़ाई बोला तो है आपको, कढ़ाई के अलावा कढ़ाई और यार एक जो है ना वाइट कढ़ाई है हाफ, ठीक है, एक ये टिक्का है, मलाई टिक्का, एक मलाई टिक्का, हाफ चिकन वाइट कढ़ाई, हाफ चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन भी सही है, और दो बच्चे के लिए सीखे ले आना, और एक छोटी सी 100 रुपए की है ना, वो मुंबई की वो चक्की है वो 150 रुपए की, नहीं तो ये 100 रुपये आपने सीख लिखा तो हुआ यहाँ पे है, यहाँ पे वो गलत नहीं, 150 रुपये की है।
एक से 150 रुपए की, एक से 150 रुपए की खत्म हो गई बेटा, वो खत्म हो गया भाई। ऑर्डर जो है ना हमने दे दिया, एक टिक्का मंगवाया हमने मलाई टिक्का, और एक जो है हमने हाफ कढ़ाई मंगवाई है वाइट कढ़ाई, और बाकी जो है दो बोटियां इसने खानी थी सीख बोटियां, लेकिन वो 100 रुपये लिखा हुआ 150 बोल रहा है, और वो भी बोल रहा है 3 बोटियां होंगी तो बहुत महंगी है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो बहरहाल हमने एक टिक्का और हाफ कढ़ाई मंगवाई है। 5 बंदे हैं हम, 4 है, 4 इसमें से एक बंदा नहीं कहेगा, 4 बंदे, 4 बंदों के लिए इनफ है भाई। इसका चेहरा देख लें बिलाल का, खाने से पहले ये है इसको जो है ना भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, बोला है मैं खाने के बाद बात करूंगा। मैंने बोला यार थोड़ी तफरी करा दो व्लॉग में, जान आ जाएगी। कह रहे हैं यार खाने के बाद बात करूंगा, इसका भी वही हारून वाला हिसाब है, जब तक पेट में नहीं जाएगा आवाज नहीं निकलेगी। अभी जरा खाना वाना आ जाए फिर इनसे बात करते हैं। भाई हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये हमारी जो है ना वाइट कढ़ाई है पराठे, और ये मलाई बोटी है। मलाई टिक्का जो है ना खत्म हो गया था, इसलिए उसने जो है ना मलाई बोटी ला के दे दी। बाकी अब हमारा जो है ना आगे का, बाकी हमारा और ऑर्डर जो है ना वो आ रहा है। भाई खाना जो है ना हमारा फिनिश हो चुका है। देखिए ये जो है ना कढ़ाई वाली जो थाल है ये भी जो है ना बिल्कुल चमक चुकी है, मलाई बोटी वाली प्लेट भी जो है ना बिल्कुल चमक चुकी है। हाँ देखा कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? अच्छा एक्सपीरियंस था। हसन जी को तो पूरा कराची जानता है कि भाई ये टेस्ट हर चीज़ में मैार क्वालिटी क्वांटिटी में बेहतरीन है। तो बाकी मेरा जो है ना 10 out of 10 थे। बाकी आप सबसे भी पूछ लें, बाकी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमें आज 13 अगस्त की नाइट को बहुत मज़ा आया। और साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया खाने का। बस बस भाई बाकी ये कि खाना वाना जो है ना बहुत ज़बरदस्त था। कढ़ाई जो है ना इनकी वाइट कढ़ाई बहुत हैवी थी, और पेट जो है ना हम लोगों का बहुत जल्दी भर गया। तो कढ़ाई जो है ना हमने फिनिश कर दी, मलाई बोटी भी फिनिश कर दी। बाकी जो है ना मैं यहाँ वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। तो अगर हमारा व्लॉग पसंद आए या ना आए, सब्सक्राइब लाजमी करना है, और शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।